जब जब वॉर की बात होती थी पहले तो लोगों के जहन में एक ही चीज आता था, इंडिया पाकिस्तान की वॉर, लेकिन आपने परिभाषा ही बदल दी। अभी वॉर की बात आती है तो सबसे पहले टाइगर ऋतिक की फिल्म आती है। आप दोनों को क्या इस फिल्म से उम्मीद है? बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब जब वॉर की बात होगी तो पहला एहसास जो होगा दिल में वो होगा प्यार। आप दोनों को इस फिल्म से क्या उम्मीदें थी पहले, और अब जो ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, क्या अच्छा रिस्पॉन्स, क्या फील कर रहे हैं आप ऐसा रिस्पॉन्स? आपको कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, नहीं नहीं कंटिन्यू। थैंक यू, थैंक यू रियली। तो पहला पार्ट क्या था आपके सवाल का? सवाल का पार्ट था आपको पहले उम्मीदें क्या थी फिल्म से? उम्मीदें क्या थी? मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी इस पिक्चर से। व्हेन वी वर वर्किंग विद द ऑन दिस फिल्म, उम्मीद नहीं, सिर्फ एक एंटिसिपेशन और एक डर और एक एस्पिरेशन था कि यार नेक्स्ट शॉट में आई हैव टू बी माय बेस्ट, वी ऑल हैव टू बी आवर बेस्ट फॉर सिड, वानी, टाइगर, ऑल ऑफ अस। तो उम्मीद ऑफ बॉक्स ऑफिस आई डोंट थिंक एनीबडी हैड व्हेन वी वर मेकिंग द फिल्म। इट वॉज जस्ट अबाउट कि यार अगला शॉट वी हैव टू गिव आर बेस्ट। और आई थिंक पिक्चर खत्म होने के बाद फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद आनी शुरू हुई, और उस उम्मीद से बढ़ के इट बिकेम अ लिटिल बिट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, एंड नाउ वी आर हियर, सो इट्स ऑल गुड। टाइगर, रिकॉर्ड की बात करें तो कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी होते हैं लोग दूसरे की तोड़ते हैं, कुछ रिकॉर्ड खुद की भी तोड़ते हैं। तो रिसेंटली आपने बागी 2 का बिगेस्ट ओपनिंग आप वॉर से देखे, आपने बागी 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, खुद का रिकॉर्ड, क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत मतलब ऑब्वियसली खुशी की बात है, और ख़ासकर क्योंकि ये कुछ आई थिंक इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ है, यू नो सच अ बिग ओपनिंग, सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट रिकॉर्ड। और जैसे मैं कह रहा था सर, हम लोग यू नो उम्मीदें दिमाग में नहीं रख रहे थे, हम लोग बस हर शॉट, मेरे लिए खासकर चैलेंज ये था कि मेरे सामने ऋतिक रोशन खड़े हैं तो मुझे अपना बेस्ट देना था हर शॉट, और उनको यू नो टक्कर नहीं कहूँगा पर ये कहूँगा कि मुझे बस अपना बेस्ट देना था उनके सामने, और उनको सही से मतलब क्यूज़ रिएक्शंस देने थे, बस उससे ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं थी। या ऋतिक या ऋतिक, टाइगर, सिद्धार्थ एंड वाणी, सी देयरफॉर यस्टरडे आई सॉ द फिल्म, द मोमेंट आई वाज इनटू द स्क्रीनिंग स्टार्टेड यार एज सच, तो वॉर फिल्म देख रहा था, देन आई वाज एट वॉर विद माई सेल्फ के हुम टू वॉच, ऋतिक और टाइगर। आपके जो दैट मोटर बाइक सीक्वेंसेज, स्पेशली दो सीक्वेंस इन दैट इन द कार एट आर्कटिक ओशन, वेयर एवर यू शॉट दैट फिल्म, इट वॉज माइंड बॉगलिंग। और ये मेरे मुझे लगता है कि सभी ऑडियंस के साथ में ये सिलसिला रहने वाला है। तो हाउ वॉज द एक्सपीरियंस वर्किंग नेक टू नेक विथ ईच अदर विथ सच टैलेंट ऑफ ईच ऑफ यू यर एज सच? Well, it was great, yeah. I think without, if you don't enjoy what you're doing, it is impossible to get the results that you're talking about. So, mere liye it has been, log kehte hain ke, you know, student, mentor, on set, ulta tha. Main seekh raha tha, kyunki I was constantly watching the discipline that he has, the process that he applies, the honesty, the integrity, and no egos. Aur कौन सीख रहा था, कौन सिखा रहा था, किसी को नहीं पता। कौन टीचर था, कौन स्टूडेंट था, किसी को नहीं पता। टाइगर, अबाउट यू? आई थिंक मेरे लिए जब भी हम एक्शन करते थे, यू नो वी टू ऑलवेज टेल ईच अदर कि यार सर, यू नो वे हम दोनों डांस पार्टनर्स जैसे हैं, क्योंकि हम जब भी एक्शन करते थे, कॉम्बैट करते थे, इट यूज टू फ्लो सो वेल, एंड वी टू हैव ईच अदर्स रिदम एंड हैव ईच अदर्स बैक्स, so it was like we were basically doing like a partner dance. So I think Siddharth sir bhi agree karenge ki hum log mushkil se do do takes mein khatam karte the. Siddharth, how was it experiencing these two giants in front of you? How was the experience as far as you are concerned directing? I think they were just Khalid and Kabir. I think agar ye I would look at them as Ritik Roshan and Tiger Shroff, it would be overwhelming, but as a director you have to look at them as your characters. I think that was key, that you don't get overawed.